हेलो फैमिली, हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं बेबी मिश्रा, माय यूट्यूब चैनल बेबी 000 में आप लोगों का दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। तो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं किचन में लगी पड़ी हूँ, बर्तने धो रही हूँ और बैकग्राउंड आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ें आ रही होगी, जो कि जो भागवत कथा हो रहा है ना, उसका आज लास्ट है दोस्तों। आज कृष्ण जी की विदाई हो जाएंगे और बाकी जो गायक वगैरह हैं उनकी भी आज विदाई है, आज लास्ट है। आज सातवां दिन है भागवत कथा का दोस्तों, तो मैं वहीं जाऊंगी अभी। और जब तक थोड़ा सा सोच रहे हैं किचन का काम निपट के जाऊं, थोड़ा सा करके जाऊं, तो इसीलिए बर्तन धो लिए हैं। और छत पे हम खाना खा रहे थे बैठ के, अभी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाए थे दोस्तों, तो इसलिए ठंड लग रही थी। तो हम खाना लेके छत पे ही चले गए थे थोड़ा सा। तब हम बर्तन धो रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं बर्तन धो के उसके बाद चलेंगे वहाँ पे। वहाँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, एक ही दिन बनाई थी, क्योंकि मैं फ़ोन को घर पे ही छोड़ के जाती हूँ दोस्तों, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो ऑनलाइन काम करते हैं घर पे, तो इसकी वजह से बच्चों के पास दे के जाती हूँ फोन, ताकि मैं जब तक आती हूँ तब तक वो ट्यूशन वगैरह स्कूल का काम कर लेते हैं, तो इसकी वजह से मुझे फ़ोन को घर पे छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है मेरी वीडियो से, टाइम बचेगा तो वीडियो बन जाएगा, है ना दोस्तों। तो अभी फिलहाल वो लोग नहीं है, तो मैंने शॉर्ट बना ली हूँ एंड लॉन्ग वीडियो बना ली हूँ। और ये भूल गए हमारे बर्तन, देख सकते हैं मैंने बर्तन धो ली हूँ, और जो कि सोच रहे हैं कढ़ाई भी धो लूँ। आज हम बनाए थे दाल चावल और पापड़ तिलौरी भुने थे, और थोड़ा सा आलू फ्राई बनाए थे हमने उबाल के, और आलू फ्राई जो बोलते हैं देहात में चोखा, आलू का चोखा, तो मेरे बड़ा वाला बेटा को बहुत पसंद है चोखा, और मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पसंद है दोस्तों, क्योंकि वो बोलते हैं दाल चावल चोखा बनाओ, तो इधर रख देते हैं क्योंकि बर्तन इसलिए धो के जा रहे हैं, लेट हो जाता है। और मैं आती हूँ 7 बजे दोस्तों, शाम को आती हूँ 7-7:30 बजे तक उनकी कथा ख़त्म होती है, तो इस वजह से तो बर्तन धोए रखेंगे ना, तो मेरे हस्बैंड जी भी इतने टाइम तक आ ही जाते हैं, तो फिर लेट हो जाएगा, तो इसकी वजह से दोस्तों, तो कुछ काम करके जाएंगे तो हमें आसानी होगी आके वहाँ से डायरेक्ट, मुझे फिर सब्जी वगैरह काट के छौंक लगा देना है मुझे। और हम पिछले 6 दिन गए हैं, तो आज 7वां दिन है, तो आज नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जो कथा कहते हैं भागवत कथा, उन्होंने बोले हैं जो आज के दिन लास्ट दिन है, तो आज के दिन आना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि पिछले जो आपने 6 दिन देखे हैं ना, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आज के दिन आना पड़ेगा आप लोगों को। और जितने आज तक पीछे भीड़ हुआ है वहाँ पे, जितने लोग आए हैं, बोले हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए आज के दिन दोस्तों, उन्होंने बता दिए हैं, जो आज सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर जुटने चाहिए, तो देखते हैं और कितने लोग आते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस वाली आंटी जो थी ना, वो आए थे 2:30 बजे और बोल रहे थे, तो मतलब उतने ज़्यादा अभी नहीं आ रखे थे, वहाँ पे भीड़ जुड़ जाते हैं, मतलब 3:30 के प्लस जो है ना, लोग बाग आना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे भीड़ लग जाती है। और शाम को 7:30 बजे तक हंगामा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो ये देखिए, ये इतना सा बर्तन धो दिए हैं दोस्तों, और भी कुछ है शायद इसमें, दाल है, दाल है, अभी तो मैंने अभी फिलहाल में रोटी खाई हूँ दोस्तों, अभी रात की रोटी थी तो मैं गर्म करके खाई हूँ, घी लगा हुआ था तो मैंने बर्नल पे गर्म कर दी हूँ और उसको ही खाई हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे वो नहीं खाना था चावल और दाल दोस्तों, तो इस वजह से मूड नहीं था अभी दाल चावल खाने का, वो ठंड लगती है ना, तो दाल चावल खाने से और ज़्यादा ठंड लग जाती है, इस वजह से मन नहीं किया।
बाकी गरम करके खाती हूँ दाल, जैसे दाल को गरम कर देते हैं ना तो फिर ठंड नहीं लगती है। और देख सकते हैं किचनों का हाल बुरा हाल है दोस्तों, ये देखिए हाल बुरा हाल है, क्योंकि सामान सामान है ना तो फिर रखे कहाँ, तो स्लीप पे ही रहता है ना, इधर बर्तन है तो बर्तन लगा देंगे और इधर सामान सामान पड़ा हुआ है दोस्तों। इधर देख सकते हो दूध है, इधर रोटी और दूध को साथ में ही कर देते हैं बस, और इसको इस पे रख देते हैं थोड़ा सा खाली हो जाएगा। पानी को ढक देते हैं जो गर्म करके देती हूँ, हो गया इधर साइड में कर दिया, इधर खाली हो गया है और इसको भी धोना पड़ेगा तो इसको इसमें रख देते हैं, ये बर्तन लगाना पड़ेगा, चोखा को इधर रख देते हैं। और फिर हम सोच रहे हैं जाने की, क्योंकि जब रात होती है ना वहाँ से आते हैं ना तो दोस्तों थोड़ा सा ठंड लगती है, एकदम मूड नहीं करता एकदम से आके बनाने में, तो थोड़ा सा काम होके रहेगा ना तो फिर अच्छा लगेगा, साफ सुफ कर देंगे। तो और बच्चे आने वाले हैं, बोले थे 3:30 बजे मम्मी आ जाऊंगा, लेकिन अभी आए नहीं है बच्चे, कोई सा वैसे 5 बजे छुट्टी होती है 5:10 में, तो आए नहीं है अभी, आ जाएंगे दोस्तों शायद, अपना खेल कूद रहे होंगे कहीं, खेल कूद क्या रहेंगे मतलब पढ़ाई कर रहे होंगे, तो 5 बजे छुट्टी होती है तो 5 बजे ही आएंगे, और बोले थे मम्मी मैं 3:30 बजे आ जाऊंगा। देख रहे हैं दोस्तों हमारा फोन भी अटक नहीं रहा है दोस्तों, और जैसे कि आप लोगों को तो पता है मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, और मैं जहां मन करता है वहीं पे मैं रख देती हूँ और वीडियो स्टार्ट हो जाती है मेरी वहीं पे। आप लोग प्यार और सपोर्ट करेंगे तो स्टैंड आ जाएगा, है ना दोस्तों। पर स्टैंड ले तो आए लेकिन ले लाने से कोई फायदा नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो पता है मैं फैमिली से छुप के चैनल चलाती हूँ, जैसे कि मेरे हस्बैंड जी को पता नहीं है तो इस वजह से, और आप लोग जल्दी से सपोर्ट और प्यार देंगे अपना तो फटाफट से मेरे बच्चे भी मेरे हस्बैंड जी सारे आ जाएंगे। ये देखिए स्लीप भी साफ हो गया है, सब कुछ हो गया है अच्छी तरह से, और मैंने नेल पेंट का कलर लगाई हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ऐसे कलर लगाई है देखिए, और ये देखिए ये वाला तो कालापन पड़ गया है ये उंगलियों में, देख सकते हैं ये इसमें और इसमें, और देख सकते हैं इसमें और इसमें, ऐसे करूँगी तो देखिए कालापन, ये कि इसलिए है क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा पानी टंकी का है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, और किचन में इतने काम करने पड़ते हैं, हर मिनट में पानी छूना पड़ता है, हर मिनट में पानी छूना पड़ता है, कभी कुछ करने के लिए कभी कुछ करने के लिए कभी कुछ करने के लिए, जो भी माताएं बहनें हैं किचन में काम करते तो उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में। और टंकी के पानी तो ऐसे है बर्फ जैसा ठंडा, और उसकी वजह से हाथों में दर्द होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा ही, और उसकी वजह से ना इसमें 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 सूजन आ गया है, ये वाली उंगली में ज़्यादा आ गया है इशारे में, तो इस वजह से सूजन आ गया है। तो मैं रिंग भी उतार रखी थी, मैंने थोड़ी देर पहले पहनी हूँ वहाँ जाने के लिए, टाइट हो रखा है, अटता नहीं है, देख सकते हैं गड्ढे भी हो जाते हैं उंगली में बहुत ज़्यादा दोस्तों, ये देख सकते हैं। अब मैं जा ही रही हूँ, इधर मेरा काम हो गया है और मैं चली जाती हूँ, क्योंकि बस अभी हमारी आंटी जी का आवाज़ आने ही वाली है, कानों तक सुनाई देंगे, ए बेबी, मैं बोलूँगी हाँ जी आंटी जी, तो बोलेंगे आ जा चलते हैं, तो मैं ठीक है आ रही हूँ, तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों ठीक है। और आप लोगों से अच्छा लगा थोड़ा सा बात करके और ये छोटा सा वीडियो बना के, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा जो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों। तो बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में दोस्तों आप लोगों से।